नमस्ते, मैं सुमन शर्मा। मैंने अपने इस वीडियो में टमाटो सूप बनाने की विधि बताई है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम टमाटर का सूप बनाएंगे। टमाटर का सूप बनाने के लिए मैंने ये 6 टमाटर लिए हैं, लाल टमाटर हैं पके हुए, और ये प्याज ली है मैंने 2, और ये 1 टीस्पून मैंने मक्खन लिया है, और इस अपने स्वाद अनुसार मैंने इसमें डालने के लिए काला नमक लिया है, सादा नमक लिया है और काली मिर्च ली है। ये सब अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले अब हम प्याज को काट लेंगे, इसे छोटे टुकड़ों में या बीच के से टुकड़ों में काट लेंगे। छिलका उतार लेने के बाद हम प्याज को इतने मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब ये दोनों प्याज हमने काट ली हैं, और इन्हें काट लेने के बाद अब हम टमाटर भी काट लेते हैं। और ये टमाटर भी हमने काट लिए हैं। अब इन्हें काट लेने के बाद पहले कुकर में हम ये प्याज को फ्राई कर लेंगे, और फिर फ्राई करने के बाद हम ये टमाटर डालेंगे और मसाले डालेंगे। तो मक्खन में हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं पहले। अब सबसे पहले हम कुकर में ये 1 टीस्पून मक्खन डाल देंगे। मक्खन मेल्ट हो गया है, और मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज में हम चुटकी भर नमक डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा जल्दी भुन जाए। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा ही भुनेगा तब। और प्याज भुन गया है, बस इतना ही प्याज भुनना है, हमने ज्यादा नहीं भुनना इस प्याज को। और इतना भुन जाने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और मसाले डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार। काली मिर्च, काला नमक और सादा नमक, और इसमें हम पानी डाल देंगे 1.5 गिलास। पानी उतना डालना है जितना आपको पतला सूप पीना है। मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूं, और इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे कुकर में। कुकर में हमने प्याज को फ्राई कर लिया या भून लिया, उसके बाद टमाटर डाले काट करके, और फिर पानी डाल करके 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने 6 टमाटर में, और मसाले डाले। फिर हमने इसमें पानी डाल करके इन्हें सबको उबाल लिया, और उबालने के लिए मैंने 2 सीटी लगवाई हैं कुकर में। और अब हम इन्हें मैश कर लेते हैं। इन्हें मैश करने के लिए आप मिक्सी के जार में डाल करके भी कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें मैश कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया है, और हमें इतना ही पतला चाहिए था सूप। इसके मसाले वगैरह आप चेक करके देख सकते हैं, अगर मसाले कम हो तो आप और डाल सकते हैं। अब हम सूप को छान लेंगे छलनी में से। और इसमें से ये जो छिलके और बीज बचे हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें किसी भी सब्जी में या चटनी में यूज कर लेंगे। और अभी हमारा ये सूप तैयार नहीं हुआ है, वैसे तो अधिकतर ऐसे ही पी लेते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा मामूली से जीरा, थोड़ा से 2-4 दाने जीरे के मक्खन में डालकर भून के इसमें तड़का लगाते हैं, तभी हम पीते हैं। तो अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए हम ये थोड़ा सा मामूली सा मक्खन लेंगे, ज्यादा नहीं लेना हमने, और ये मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से, इतने से दाने डाल देंगे। ये भून गए हैं, इन्हें टमाटर के सूप में डाल देंगे। हम सूप में तड़का लगा देंगे, और तड़का लगा देने के बाद अब ये सूप तैयार है पीने के लिए।